हम बात कर रहे हैं NBCC की। आज के दिन की बात करें तो हमको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली, 5% के ऊपर की गिरावट के साथ हमको स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त स्टॉक जो हम देख सकते हैं 156.55 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, 160 तक की गिरावट अगेन बाउंस बैक हुआ, लेकिन अपने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वहाँ से गिरावट आई है। और हम देख सकते हैं 160 का जो इसका तगड़ा सपोर्ट था, जहाँ से इससे पहले गिरावट के बाद सपोर्ट लेकर हमको 176-177 तक के टारगेट दिखाए थे, उस सपोर्ट लेवल को नीचे की ओर ब्रेकडाउन कर चुका है। और इस ब्रेकडाउन के साथ हम देख सकते हैं कि जैसे ही ब्रेकडाउन किया है, बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है, हमको 150 तक का फॉल इसमें देखने के लिए मिला है। हम देख सकते हैं स्टॉक ने 152 के लेवल पर हमको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना है, हमको इंतज़ार करना ही ठीक रहेगा। वैसे तो 150 का लेवल इसका एक तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन बताया है 160 के लेवल के ब्रेकआउट का, स्टॉक को बड़ी तेज़ी के लिए आप 160 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये जो लेवल है इसका हाई, उसको ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर इस गिरावट के साथ स्टॉक अपने इस लो को भी 150 के लेवल को भी ब्रेकडाउन कर जाता है, तो वैसी कंडीशन में हमको 144 तक का गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है कि 144 तक की स्टॉक गिरावट दिखाए और 144 की लेवल से फिर हमको बाउंस बैक होता हुआ नज़र आए, लेकिन इसलिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना ही ठीक रहेगा फ्रेश बाइंग के लिए, क्योंकि स्टॉक गिरावट में है, अपने लो को भी ब्रेकडाउन कर चुका है। और अगर यहाँ से इस 160 के लेवल से अगेन रिजेक्शन लेके इस लो को ब्रेकडाउन कर जाता है, तो वैसे कंडीशन में 144 तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है। या तो फिर गिरावट के ऊपर पोजीशन बनाई जा सकती है, या 160 के ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना ही ठीक रहेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।